अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ये देख, हम लोग कहाँ हैं? हम लोग बाहर आए। सलाम कर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हम लोग आए हैं, ले लो सलाम तो करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। तो हम लोग आए हैं मोमोज खाने के लिए एक नंबर पे, ठीक है? उसमें की ना 4-5 दिन से छुट्टी है। 4-5 दिन हो गए ना? नहीं, ट्यूजडे से छुट्टी है। हाँ, तो बेचारी घर में पढ़ाई कर रही है, घर में लिख रही है, जो भी है उसका वो घर में ही टाइम जा रहा है। तो अभी थोड़ा सी हम लोग को टाइम नहीं मिला, तो हम लोग बाहर आए हैं, सोचे थोड़ा इसको टाइम दे देते, सिर्फ 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए, उसके बाद हो जाएगी अरबी, है ना अरबी? राइट। तो आइए आप लोग भी मोमोज खाने के लिए। घर से दाल चावल खा के निकले ले, लेकिन फिर भी मोमोज खाने का मन किया, ऐसे आए हम लोग एक नंबर पे। आजम सुनो, ए पापा मेरे को देख रहा भी नहीं। क्या बोली तूने? चीटिंग करेगी तो आइसक्रीम नहीं मिलेगी। हाँ, चीटिंग नहीं चाहिए, तू थोड़ा मोमोज खाएगी तो आइसक्रीम मिलेगी। गाइस आइए। हाँ, नहीं चलेगा, वो खाती वैसे भी चटनी में तोड़ेगी ना, डुबा के खाएगी। आइए आप लोग भी खाना खाने के लिए, खाना मतलब कि मोमोज खाने के लिए। रुक, मैं टूशे देती, पहले हाथ पोछ। क्या हुआ, स्टीम नहीं हुआ क्या प्रॉपर ये? अरे हुआ तो है, तुम्हारा ही नरम है, ये तो स्टीम हुआ है। ले बेटा हाथ पोछ, अच्छे से पोछना। गरम है उसमें, गरम है, रुक जा थोड़ा। मेहनत करते ना वो लोग, अपन भी किए लेना ऐसी लेकिन वो कितना गर्मी में पसीने में काम कर रहे थे। ये है फ्राई मोमोज, चलो बाबू लो। मम्मा को मैंने बोली थी कि अगर वो मोमोज खाएगी तो मैं उसको आइसक्रीम खिलाऊंगी, तो लेके आई उसको आइसक्रीम दिलाने के लिए। वो मोमोज नहीं खा रही थी क्योंकि घर पे हम लोग खाना खा के निकले थे ना, इसलिए है आइसक्रीम। कौन सी चाहिए तुझे? कॉर्नेटो? हाँ। बड़ी वाली कॉर्नेटो तो है ही नहीं, छोटी सी है। कितने की है ये कॉर्नेटो? पकड़ो बाबू जरा, तुमने चॉकलेट की कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ, कितने की हो? 30 की। और वो कौन सा है फ्लेवर बताओ? चॉकलेट। और ये छोटी वाली कितने की है? 10 रुपए की। उसमें छोटी वाली ले। हाँ, को छोटी चाहिए। छोटी चाहिए, बस हो गया, खुश? पक्का श्योर ना? देख इधर देख, सच्ची बाबू तुम भी खा रहे? एक और दो छोटी वाली, मैं भी तो देखूँ क्वालिटी क्या है उसकी। ठीक है, थैंक यू। हेलो भाई, जैसे क्वालिटी देखना पड़ेगा। 10 रुपए की कॉर्नेट हो बाबू, स्वीट्स किस खोल, अच्छे से खोल, तू खोल तेरा अच्छे से। अरे वाह, पेपर फाड़। सेम चीज़ है, वो बड़ी वाली 30 रुपीज़ की थी और ये 10 रुपए की है। देख रहता है। बस 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 बस, खाना शुरू कर। वाओ, छोटी कॉर्नेटो, इससे तबीयत भी खराब नहीं होगी, बच्चों को कॉर्नेटो का मज़ा भी मिल गया है ना। जो कैसी है, सेम टेस्ट है, ऐसी रहती है दूसरी कॉर्नेटो? चल ठीक, आजम को ऐसे उठा के लेके आ गए ले। ये क्या बोलता बाबा, क्या बोलते बेबी था? आइसक्रीम खाएगा, खाएगा आइसक्रीम, खाएगा, खाएगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ये थोड़ा बड़ा होएगा इसको फिर थोड़ा खिलाएंगे उंगली से। मैंने तो इसको पूरा खोल दिया है, देखो 10 रुपए की वर्थ है, खा के देखो। हाँ, खाओ ना, खाओ ना, अरे खाओ ना, तुम भी क्या याद रखेंगे, कितने दिलदार हूँ मैं। है ना, 10 रुपए में वर्थ है ना, बच्चा जीत के या तो बड़ी दिलाने से अच्छा छोटी। थोड़ा तो बिल्कुल नहीं करने का मेरे साथ। तो कौन सी पापा? नहीं।
हम लोग कहाँ खड़े पता आप लोगों को दे दो एक नंबर पर। हाँ पर अभी कुछ कटाने का नहीं है बाल भी। दो दिन पहले उज्मा का बाल मैंने खुद ने काटा है, नीचे से ट्रिम किया है। बैनर देखो मैं कैसी दिख रही ना, यही वाले बैनर देखो, मेरा पेट देखो मत देखो। तो गाइस यहाँ पे चल रहा था हमारा फोटो सेशन, हम लोग फोटो खींच रहे थे, काफी सारे फोटो खींचे हम लोग ने। हाँ आजमा कैसे खड़ी थी फोटो में, खड़े रह के पता तो हम लोग ने यहाँ पे फोटो खींचे। आज हमको भूख लगी है, जब हमको भूख ही लगी मैं बच्चे को बोलता है मेरे को बाहर में बाहर लेके आके मोमो खा रहे आइसक्रीम खा रहे, मेरा क्या मेरा क्या, मेरे को भी तो भूखी लगी है। अल्लाह कहीं चले गला मेरा बच्चा भूखी लगी मेरे बच्चे को। तो चले क्या बोलती हूँ कितने बो कितने बो अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या बोलते, मैं भी बोलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जवाब दिन उसने अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या बोलते हो। तो मस्त एरिया था ये, पहले एक टाइम पे ना बहुत शांति वाला इलाका था, मतलब अभी यहाँ पे तो सारी गाड़ियाँ लगी हुई है ना, पहले एकदम खाली खाली रहता था, अभी खाली खाली नहीं रहता है। तो ऐसा ये कौन सी स्कूल की बस है, अभी एक लेडीज़ वही मिले थे हम लोग मोमोज काउंटर पे एक लेडीज़ मिले थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे, वो नया स्कूल है। तो मैं बोली आप इतनी डिटेल क्यों पूछ रहे, तो बोले हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, बोलते ना नई स्कूल में चालू होती है तो प्रमोशन करते कि हमारे स्कूल में ये होता है वो होता है, तो पूरा बच्चे के स्कूल का डिटेल ले रहे थे कि वहाँ की फीस क्या है ये क्या है। मैं बोली देखिए मैं मेरी बेटी का नाम बता रही हूँ और वो कौन से स्टैंडर्ड में वो बता रही हूँ, वो भी इसलिए बताया क्योंकि वो उन्होंने जो बताया ना मुझे कि हमारे स्कूल से टीचर्स लोग आपको फ़ोन करेंगे, रुक जाओ उसमें हमारी स्कूल से टीचर्स लोग आप लोगों को फ़ोन करेंगे और सैटरडे संडे जब वैकेशन होता है तो हमारे स्कूल से कोई आएगा आपके बच्चे के साथ घर में एक्टिविटी करेगा और एक्टिविटी करेगा पढ़ाएगा, मतलब थोड़ा टाइम देगा और बताएगा कि आपका बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड है या एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है, अगर एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है तो किस एक्टिविटी लेवल चेक करेगा। हाँ वही इन शॉर्ट आई क्यू लेवल ऐसा अपन मैं बता रही हूँ उन्होंने क्या क्या बोले। हाँ तो आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है तो वो ये सब बताएंगे, मतलब इसका मकसद क्या है ये सब करने का, तो सीधा साधा ये है कि वो आपके बच्चे से थोड़ा अटैचमेंट होना चाहते होंगे जो भी है और बाद में बच्चे को उठा के अपने स्कूल में है ना आओ इनवाइट करना। तो मैंने क्लियर बोल दी मेरे को मेरी बच्ची की स्कूल नहीं बदलना है, तो नहीं नहीं इट्स ओके आपको हमारी स्कूल में नहीं डालना चलेगा लेकिन आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए आप हमारे टीचर से बात कीजिए। तो ये चीज़ सुन के ठीक लगी कि हाँ चलो एक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे मेरी बेटी किस चीज़ में है, तो मैंने अपना नंबर दे दिया। उसके बाद फिर उन्होंने बोले कि मुझे एक फ़ोटो भी चाहिए, तो फोटो लिए उन्होंने अपने साथ हम दोनों की। अब वो चले तो गए लेकिन उसके बाद मेरे दिल में जो डर है ना, हाँ बाबू डर लग रहा है, तो उनके साथ हम दोनों की पिक्चर। दूसरा मैंने स्कूल का नाम बताया और कौन से स्टैंडर्ड में वो बताया, तो डर क्या लग रहा है वो ये है कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई भी हो सक वो ऑब्वियसली जेन्युइन भी होंगे लेकिन मेरे को डर लग रहा है उनके जाने के बाद कि उनके साथ मेरी फ़ोटो खिंचाई हुई है, मैंने स्कूल बता दिया स्टैंडर्ड बता दिया, कल कोई वो फ़ोटो का मिसयूज़ ना करे कि मैं हाँ मैं तो इसकी मम्मी को जानती हूँ मैं इनके पेरेंट्स को जानती हूँ देखो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास उज्मा को मैं जानती हूँ और हाथ पकड़ के लेके चले गए। वैसे तो स्कूल वाले ऐसा भेजेंगे नहीं लेकिन फिर भी है ना बाबू मेरा डर जाहिर है ना जाहिर वाजिब है ना, तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। क्या क्या मैं बताती हूँ कौन से इधर से आए थे, क्या कहा ऑर्किड इंटरनेशनल ऑर्चिड इंटरनेशनल मलाड वेस्ट मारवी रोड पे जो नया खुल रहा है वहाँ पे खुल रहा है नहीं खुला हुआ है बोले खुला हुआ है मतलब उसमें तो प्रमोशन कर रहे हैं ऑर्चिड स्कूल का प्रमोशन के लिए आए थे। और सच्ची में ऑर्चिड स्कूल वाले का ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बता दें ताकि हम लोग सतर्क हो जाए लोग फेंकते हैं सच्ची था नहीं मेरे को नहीं लग रहा फेंक रहेगा जेन्युइन ही रहेगा क्योंकि वो इतना पसीना पसीना लथपथ थे और ऐसे प्रमोशंस के लिए हम लोग ने भी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है तो हम लोग को भी भटकना पड़ता था वो तो जो
पसीना पसीना लखपत मेहनत कर रहे थे वो, तो मैंने बोली चल जान दे, उनको भी कुछ टारगेट मिला होगा कि कितने पेरेंट्स से तुमने बात किया करके। मैंने फ़ोटो दे दी, उन लोगों को फ़ोटो खींचना पड़ता है ना, तो मैंने दे दी। लेकिन देने के बाद अब डर लग रहा है कि देखो हर चीज़ को ना एक पॉजिटिव वे पे भी सोचो और दूसरी तरफ निगेटिव वे पे भी सोचो। तो पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली थी, लेकिन जब से मैं मोमोज खा के हटी हुआ से मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी ये लिए कि मेरे पास एक सबूत रही, ये तारीख को ये डेट पे कोई लेडीज़ मुझे मिली थी और कौन से स्कूल से थी और क्या क्या बोले थे, तो एक रिकॉर्ड रहने का। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो मेरी फ़ोटो खींच रहे थे तो मुझे भी एक फ़ोटो खींच लेना चाहिए था उनके साथ। नहीं मैं बोल रहा था जब फोटो शेयर कर दिया फिर नंबर पे है ना, और तुमने वो बोले क्यों नहीं, फिर मेरा नंबर लिया उन्होंने, मिस कॉल भी नहीं मारे। उन्होंने किसको भेजे, मतलब जो उनका ग्रुप था ना उसमें नंबर भेजे, वो मैं देखा, देखे भेजे। बाबा बच्चा उठाने वाले लोग भी बहुत कांड किए ले पहले, इससे पहले। हाँ बाबू कितना महीना पहले की बात है ये, तीन चार महीना पहले तो बच्चा उठाने का तो यहाँ पे वो चल रहा था, वो मेला लगा हुआ था, तो इसलिए जा उठाया मेरे को, और कुछ नहीं। फिर भी आप लोग कोई जानता होगा ऑर्चिड स्कूल से कि ये प्रमोशन चल रहा है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ना संतुष्ट कर दो, वरना ये बात मेरे दिमाग में घूमती रहेगी। बेटी क्या अभी मत बताना, तेरा डिवीजन किसी को नहीं बताई मैंने इसके लिए, मेरे को बोलती क्या चश्मा पहन के। अच्छा हुआ आपने मेरा डिवीजन नहीं बताया, बेटा इतनी डिटेल किसी को नहीं देते। वो मुझसे पूछ रहे थे ना कि फीस कितनी है, तो मैंने क्या बोला उनको, इतना डिटेल में हम लोग नहीं बता सकते। फीस क्यों बताऊँ मैं, इतना डिटेल में क्यों बताऊँ, इतना डिटेल में बताऊँगी तो एक अनजान इंसान भी जाके बोलेगा कि मुझे इतना सब कुछ पता है, तो मैं तो फैमिली पर्सन उन लोग का, सही ना। तो ऐसे मेरी आवाज़ ना फट फट के आ रही है, लेकिन जब भी मैं व्लॉग बनाने के लिए खड़ी होती हूँ ना तो मैं एक्साइटमेंट में इतनी रहती हूँ। मेरा पैशन है ना व्लॉग बनाना, तो मैं बनाती हूँ। फिर क्या बोली, सब कुछ काला दिख रहा है, तो काला चश्मा पहनेंगे तो काला ही दिखेगा ना, पर हीरोइन दिख रही है माशाल्लाह, हीरो है मेरा छोटा हीरो। पीछे कचरा है और मैं फोटो खींच रही हूँ, देख जरा तेरी कपड़ा सही करो क्या, कैसी आई फोटो दिखाओ, अच्छी है क्या। हाँ रुक बताते, तो यहाँ पे मेरा बेटे का भी हो गया संतुष्टि। हाँ नहीं तो बोलता था मेरे को सुक्का मुँह लेके गए बाहर और सुक्का मुँह घुमा के लेके आए, तो हमने उसके दूध की बोतल लेके आए थे, उसका मुँह गीला कर दिए। हाँ सब आ इधर इधर घुमा है, मम्मा कैचा लगा चोनी को, कैचा लगा चच्ची बोलो, कैचा लगा मम्मी मुच्चू को, कैचा लगा अच्छा लगा तेरे को, अच्छा लगा ना मैं। लेकिन सही बोलना बाबू, जैसे मैं व्लॉग बनाना शुरू करती हूँ मेरा एक्साइटमेंट लेवल अलग ही रहता है ना बात करने का, ऐसा है। चल बेटा उस हो गया घूम के, अब अरबी जाने का, आज अरबी में उसके ना कल में सुने जाएंगे। और मेरे को मालूम भी नहीं, मेरे को चार ही कल में आते हैं। हम पांच कल में आते तुझे, कौन से पंजुम कल में नहीं आता, अरे वो तो अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हाँ तो खाला ने जितना पढ़ाए तेरे से उतना ही सुनेंगे, जो पढ़ाए नहीं वो क्यों पूछेंगे तेरे से, वो उन लोग से पूछेंगे जिनको उन्होंने पढ़ाया है। चलो गाइस ये रोड बहुत अच्छा लगता है मुझे, सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम। खाली सुकून है, सुकून पंचायती बढ़ गई है क्या, तो खाला को जाते साथ बोल देना खाला पढ़ा दो, मैं वापस याद कर लूंगी बैठे बैठे, समझ में आया। थोड़ा टाइम रुक के मेरा सुन लो ठीक है, इतना नहीं वो करने का उस माँ, तू याद कर लेती चीजें। चल भाई चलो भाई चलो चल 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 दुबई जाते चलेगा, शांत हो गया क्या हुआ, क्या हुआ मस्ती नहीं सुजरी नहीं, तुम लोग बीच पे लेके नहीं गए ना हमको, बीच पे नहीं लेके गए ना, कार में नहीं घुमा रहे ना हमारे रईस जादे को, क्या हुआ क्या हुआ, इतना शांत क्यों हो गया ये। अच्छा 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 चल कोई बात, चलो कोई नहीं। इसका ना अरबी में ना तर्जुमा सुनने वाले, और उसको तर्जुमा भूल गई है ये चौथे कलमे का है ना, इसलिए वो मोबाइल में तर्जुमा पढ़ रही है। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में बांगड़ा फिश, एक्चुअली ये कल लेके आए थे
और आधा कल फ्राई कर दिए थे दाल चावल के साथ और आधी रह गई थी। और आज मैं बनाने वाली थी मच्छी का सालन, बट उसमें की रिक्वायरमेंट है कि उसको मच्छी फ्राई ही खानी है, सालन की मैं नहीं खानी है की है, क्योंकि उसको मच्छी है ना सालन वाली नरम लगती है तो उसको नहीं चाहिए। तो खैर मैं आज बना रही हूँ मिक्स दाल की खिचड़ी मसाले वाली और साथ में मच्छी फ्राई। और आज़म अभी सो रहा है और उज़मा कर अरबी से आ गई है और बैठ के अपना होमवर्क कर रही है। अरे बाप रे, ये तो उड़ गया, नहीं मैं नहीं हूँ। और आपके भाईजान गए हैं थोड़ा सामान लाने के लिए, मेरे को बड़े बल्ब चाहिए थे, मेरे यहाँ का बल्ब ख़राब, मेरे बेडरूम का बल्ब बंद, मेरे ये बेडरूम का बल्ब बंद, तो रोशनी बहुत कम मिलती है मुझे, तो मुझे शूट करने मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैंने बल्ब मंगाया और चावल वगैरह ख़त्म हो गया ना, तो मैंने बोली अभी टेम्प्रेरी चावल ले आ जाओ, बाकी मैं अमेज़ोन से सब कुछ मंगा लूँगी जो भी ख़त्म हुआ है। वो मुझे बोल रहे थे कि मैं डीमार्ट लेके चलता हूँ, डीमार्ट जाएंगे, बट टाइम नहीं रहेगा हम लोग के पास, डीमार्ट जाऊँ मैं। थैंक यू। इस्तरी के कपड़े आ गए, इस्तरी के कपड़े आ गए और साथ में लगा हुआ यहाँ पे क्या बोलते उसको, तारक मेहता। अभी उज़्मा पढ़ती रहती है तो मैं टीवी बंद रखती हूँ, लेकिन अभी वो बेचारी दो तीन दिन से जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कंटिन्यूसली पढ़ रही है और मुझे टेस्ट दे रही है, बट अभी ये सिर्फ अपना होमवर्क कर रही है, तो इसके लिए मैं मेरी चलती कि वैसे भी अभी आई है ट्यूशन से अरबी से, कहाँ लेके जाऊँ मैं इसको, कहाँ रखूँ, इसमें रख दे रखती। ये हमारे स्त्री के कपड़े आ गए हैं, उठ के खेल रहे। उसमें मच्छी का सालन क्यों नहीं बनाऊं? मच्छी का सालन मैंने टेस्ट नहीं किया और अच्छा नहीं निकला तो मैं कभी नहीं खाई हूं। क्या झूठी है, मच्छी का सालन मैंने कितने बार बनाई हूं। मच्छी का सालन अच्छा लगता है तुझे, लेकिन मच्छी के सालन की मच्छी नहीं अच्छी लगती तुझे। अरे कब खाई हूं मम्मी, तो बना दो आज, बना दो मच्छी का सालन। ठीक है, श्योर, ठीक है। मैं कब बनाया? बहुत बार बनाई हूं, इसको याद नहीं लगता। मच्छी का सालन ये शौक से खाती थी, लेकिन मच्छी है ना उसमें की इसको अच्छी नहीं लगती, नरम नरम लगती है। तो अभी क्या करूँ बोल, मच्छी का सालन बनाओ क्या? मैंने दाल भिगा दी, खिचड़ी और मच्छी फ्राई, खिचड़ी और मच्छी फ्राई बनाओ या मच्छी का सालन चावल बना दो सालन। क्या अभी बोलती, झींगे का सालन बनाओ कल अभी, क्योंकि मैंने दाल भिगा दी, इसके वास्ते मैंने ये किया। दोपहर में भी पूछी मैं, ये तो अभी मैं नया सुनी कैमरे के सामने कि मैंने कभी मच्छी का सालन नहीं खाई। याद नहीं है तुझे, तू मच्छी का सालन खा ली? पक्का नहीं याद है तुझे? पहले मुझे ये चीज बोलती थी तो मैं मच्छी का सालन ही बना देती थी तुझे और एक बार खिलाती थी वापस। अभी दाल भिगा दी मैंने, क्या बोलती बोल? अब अलग ही है, पूछ के पहले क्यों बोली फिर तूने मच्छी फ्राई बनाओ? आजम क्या है रे, अरे ना खिचड़ी के साथ मच्छी का सालन नहीं अच्छा लगता, मच्छी का सालन तो स्टीम राइस के साथ ही अच्छा लगता है, बॉयल राइस के साथ कुकर में बने हुए चावल, क्या है रे? हाँ ये आजम मेरे को किचन में जाने ही नहीं देता, 10 मिनट से ज़्यादा सोता नहीं। आ गया है सब बाज़ार लेके आए हैं, पता नहीं क्या। अच्छा इलायची केला ये मुझे चाहिए था, क्योंकि उज़्मा बहुत दिन से बोल रही थी उसको इलायची केला खाने का, और जब मैंने मंगाई तो बोलती इलायची केला नहीं खाने का मुझे, ये सीताफल खाने का, तो मैंने दोनों मंगा लिया, जो खाना खाएगी ठीक है। फिर रोया आज़म, कुछ काम नहीं करने मिलता है मुझे, कुछ भी काम नहीं करने मिलता है मुझे। 1 किलो चावल मंगाई, क्योंकि मैं आज बैठ के ना अमेज़ॉन फ्रेश से ऑर्डर दे दूँगी, क्योंकि हम लोग डीमार्ट नहीं जा रहे, क्योंकि नहीं पॉसिबल होता है डीमार्ट जाना सही तरीके से शॉपिंग करना। ये डिटॉल है और ये शायद चिकन है, तो दोनों बच्चों को लेके जाना, पर राशन लेके आना, उससे अच्छा मैं बोली यहाँ से राशन की दुकान से लेके आ जाओ राशन, तो नहीं पॉसिबल होता है मैम दोनों बच्चों के साथ शॉपिंग को जाना, ग्रॉसरी लाना, फिर बहुत बहुत मतलब काम बढ़ जाता है, तो यहीं से मंगा लूँ सोची थी, बट ठीक है मैं अगर आज ऑनलाइन मंगा लूँगी तो कल तक के मुझे मिल जाएगा। अच्छा मेरे बल्ब भी आ गए हैं,
ये देखिए मेरे बल्ब, तीन बल्ब आ गए। अच्छा एक बात सुनो, उज़्मा को मैंने दोपहर में पूछी थी मच्छी का सालन खाएगी क्या, तो बोली नहीं मच्छी फ्राई करो। और अभी मैंने उससे पूछी क्यों बेटा मच्छी का सालन नहीं खाना है, तो मुझे बोलती है क्योंकि मैंने कभी मच्छी का सालन खाई ही नहीं। अरे आप कौन, कितना मच्छी सालन बनाते, टेस्ट की है मतलब खाई है उसने, उसको याद नहीं रहेगा शायद, इसके लिए बोलती रहेगी कितना मच्छी। आप लोग खुद यूट्यूब चैनल पे देखना मेरे मच्छी का सालन, मच्छी का सालन, मच्छी का सालन। ये लड़की, इसको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होता था पता है, मच्छी का फ्राई में, मच्छी में मसाला फील होता है और वो पसंद है एक्चुअली, सालन में बॉयल जैसी मच्छी फील होती है। तो अब सालन ना बहुत अच्छा रहता है उसमें, चिकन सालन भी अच्छा है। हाँ तो अब वो मुझे बोल रही सालन बनाओ, लेकिन अभी एक समस्या आ गई है, मैंने दाल को भिगा दिया है खिचड़ी बनाने के लिए, सोची खिचड़ी बनाऊंगी और मच्छी फ्राई करूंगी। मच्छी फ्राई कर दे, नेक्स्ट टाइम सालन बनाएंगे ठीक है। देखो डबल काम मत बना, कल बनाए थे ना दाल, अभी खिचड़ी खा क्योंकि मैंने पालक मंगाया है, कल मैं दाल पालक बनाऊंगी और चिकन फ्राई कर दूंगी। दो दो दिन दाल चावल नहीं अच्छा लगता उज़्मा, कल भी तो दाल चावल और मच्छी फ्राई खाए थे। एक काम कर, आज के लिए एडजस्ट कर ले मेरा खाना, क्योंकि अभी मैंने दाल भिगा दी, आज के लिए एडजस्ट कर दे बस। खिचड़ी बना रही मैं मसाले वाली और तेरी मच्छी फ्राई करी, अब मान या मत मान मैं तो वही बना रही, जा भाई। सबसे पहली बात ना पूछना ही नहीं चाहिए बच्चों से कि क्या पाक खाएंगे करके, पूछ के ही सबसे बड़ी गलती कर लेते अपन। तो डिसाइड कर लिया मैं खिचड़ी और मच्छी बना रही हूँ, आने पे क्या क्या वेस्ट करूँगी मैं इसको, आने पे क्या ये लगा देंगे ना यहाँ पे, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ छोटा वाला, यहाँ लगाओ, कुर्सी लाना पड़ेगा तुमको ठीक है, किचन पे डायरेक्ट लाइट जो इससे पड़ती है क्या, ये इधर से, ये इधर से, अभी भी नहीं लगा ना बल्ब, बाबा 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 नहीं सही है, रोशनी यहाँ से आना चाहिए किचन के लिए ना, ये तो क्या मतलब बहुत हैवी लग रहा है, ऐसा लग रहा गिर जाएगा। फाइनली बल्ब लग गया और मैंने इसमें डाल दी चावल और दाल, अब लगा दूंगी इसकी सीटी। बल्ब लग गया यहाँ पे छोटा बल्ब, यहाँ पे बड़ा बल्ब लगा दियो ठीक है, थोड़ा बहुत रोशनी मिल ही जाती है। अभी इतना खर्चा किया, एक एक बल्ब आया 560 का और तीन बल्ब मंगाए हैं, यहाँ 560 का ही मिला ना। देखो आजम क्या डाले, बड़ा मजा आया, ए डब ना हो या बड़ा मजा ओ या, कैसा लगा आजम, कैसा लगा एड़ा बन के, कैसा लगा बोलो न जरा, बोलो कैसा लगा, मजा आया। टकली टकली
चल चले टाइम पास कर रही हूँ क्या मैं बड़ा वाला तो छोटे की जरूरत ही नहीं पड़ती है समझे दिख रहा देखो कितना क्लियर सेल्फी मोड से भी अच्छा दिख रहा है और से भी अच्छा दिख रहा है और मच्छी भी अच्छी दिख रही है बस बहुत छोटी है बाबू बड़ी बांगड़ा मिलेगी तो लेके आना हाँ नहीं नहीं क्योंकि अभी सालन बनाने की रिक्वायरमेंट आई है तो बड़ी मच्छी में ज़्यादा अच्छा बनेगा फिश रेडी दूसरा जो बचा हुआ था मैंने फ्राई करने को डाल दिया है चाय पीने की तलब लग रही थी क्योंकि शाम से चाय नहीं पीऊँ तो चाय चढ़ी है थोड़ी हाँ आजम हाँ इधर 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 अम्मी इधर ही शोना आजम तो खाना खाने के लिए थोड़ा टाइम है अभी उज्मा खाना खाएगी उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे घर के थोड़े छोटे मोटे काम है तो चाय पी लेते हैं खिचड़ियाँ बन के रेडी हो गई क्या मस्त खुशबू आ रही माशाल्लाह अरे हटो ये देखिए देखिए क्या बेटा तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया दाल चावल मसाले अब ये रेडी है खाने के लिए आजम परेशान होते रहता है आई अम्मी अम्मी करते रहता वो क्या हुआ था बोकुड़ कैसे चिल्लाता तू कैसे चिल्लाता ए अम्मी आ गई कैसे चिल्लाता कैसे चिल्लाता कैसे देखे इसको क्या चीज रहता है हाँ नहीं तो क्या जा रही मैं आजम जा रही मैं बाय बाय बाबा बच्चो बाबा बच्चा एड़ा बनाया मजा आजा आया एड़ा बनाया कैसे लगा जब कैसे लगा बस चाय सुकरी मेरी वो इधर देख के बोलो जरा क्या बोलता है ऐसे बोलो ना क्या बोलता हो इधर आओ इधर ही रहो इधर ही रहो ऐसा बोलता है ना उज़्मा को मजाक लग रहा है उज़्मा का खाना हो गया आजम का नाइट रूटीन हो गया आजम को सुलाने की कोशिश चल रही है काम करके कभी खत्म ही नहीं होते रात हो गई है खाना आजम भाई सो जाओ मेरी जान मेरे सोना बेबी सो जाओ चाहते क्यों नहीं दो मैं जैसी हट रही इसकी नजर के सामने से चालू हो जाता ये सोएगा तभी हम खाना खाएगा अल्लाह हाफिज़ गाइस अपना ख्याल रखना अपनी दुआओं में याद रखना व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना आ रही इसको नींद आ रही इसको सुलाती हूँ फटाफट